इन गुना ना अंडर स्टेटमेंट है अंडर स्टेटमेंट लगता है क्योंकि हमें ना अपनी जिंदगी से ज्यादा ना दूसरों की जिंदगी में क्या चलता है ना वो देखने मजा आया, अग्री करते हो अब मीडिया वालों से ज्यादा अग्री इस चीज से कौन ही करेगा कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है हमें खाने में ना चाट और बातों में पंचात पसंद है और मुझे लगता है अगर ताका झाकी घरों में करना कोई स्पोर्ट्स होता ना ओलंपिक तो हमारे गले में ना गहनों से ज्यादा मेडल होते मेडल और हमारे घरों में बर्तन से ज्यादा बेडरूम में बाथरूम में किचन में सब कुछ मतलब वो क्वेश्चन था ना कि रसोड़े में कौन था है सबको पता चलेगा कि रसोड़े में कितने बजे किसके साथ कौन कौन था और इस बार बिग बॉस इतना खास होने वाला है उसका रीजन हम सबको पता है एवरी वन नोस तो द यंग एनर्जेटिक जिनको देखकर उम्र गुल हो जाती है ए के द डायनामिक अनिल कपूर है इस बार अनिल कपूर के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों प्लीज मैं वहां बैठा होता मैं चिल्ला रहा होता ठीक है <laughs> क्योंकि अनिल कपूर सर की जो एनर्जी है ना वो एनर्जी से मुझे लगता है बिग बॉस की जो एक आंख खुली है ना दूसरी वाली भी खुल जाएगी इस बार और जितने लोग ये जो बातें करते हैं ना हर साल वही घीसी पीटी के बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है ये बोला ना जिसने भी अनिल कपूर सर मुझे लगता है खुद आके आपका दिना दिन धा कर देंगे और सच बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस है बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है क्योंकि अपना बैंड खुद कौन ही बजाएगा अभी आपको पता होगा मैं बिग बॉस ट्रॉफी जीत चुका वेट मुझे पता नहीं है वो ट्रॉफी का वजन कितना है बट ये बता सकता हूं कि मुझे भारी बहुत पड़ी है वो वाली और भारी से मुझे याद आया कि इस बार बिग बॉस में कुछ खास होने वाला है और कुछ बहुत भारी होने वाला है इस बार कंटेस्टेंट छोड़ो जनता भी उंगली करेगी वोट्स के लिए इस बार जनता का फुल्ली टेक ओवर है आपको बताऊं मुझे एक, एक चीज पता चलिए कि इस बार जनता डिसाइड करेगी जनता भी डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन सा टास्क करेगा मतलब बिग बॉस की टीम में इस बार जनता है और मुझे लगता है यार छोड़ो मुझे तो बहुत बताने का मन कर रहा है लेकिन अगर सब मैं बता दूंगा एके क्या बताएंगे है कि नहीं और एके के मुंह से सुनने के लिए तो हम सब बेसबरे हुए जा रहे है, है ना ठीक है तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि एके प्रोमोज़ में तो कह रहे हैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं यहां क्यों तो नहीं का ट्रैफिक आप सबको पता है लेकिन मुझे जस्ट अभी पता चला है कि फाइनली एके यहां पहुंच चुके है ना और उनका वेलकम पर अनिल कपूर सर सब जानते हैं कि वो जब पानी भी पीते हैं ना तो पानी भी एनर्जी ड्रिंक बन जाता है एज जो है वो सिर्फ उनके सामने कॉन्सेप्ट है और आपके पास अब मैं ज्यादा वेट नहीं कराना चाहूंगा लेकर आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन थ्री अनिल कपूर उर्फ एके के? एक आ जाओ यार प्लीज ये मुगैम्बो का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है इधर मिस्टर इंडिया बनने की जरूरत नहीं है ये सर हमारी एज तो निकली जा रही है प्लीज सर ओह देखो ब्लैकआउट हो चुका है मतलब आप सब समझ चुके हो क्या होने वाला है तो जोरदार आवाज करो चिल्लाओ तालियां बजाओ गिव इट फॉर अनिल कपूर जाकास ए, बहुत हो गया जाकास करते हैं ना कुछ खास रूल्स बदलेंगे और नए नजरिए का होगा ब्लास्ट उन्नावर बोल इस नकली को बंद करे उसकी बकवास बिग बॉस होस्ट करने वाला हूं मैं ये तो है साला टाइम पास है कुर्सी मंगा रहे अरे कुर्सी छोड़ो अनिल सर देख लेना तुम लोगों को खटिया खड़ी करेंगे तुम्हारी चलो प्लीज ये सब मत करो यार हमारे को ओरिजिनल वाला ओजी चाहिए भाई अनिल कपूर सर नजरे बिछा के बैठे लोग क्या कर रहे हो सर प्लीज आ जाओ सर अरे वो चार लोग इधर आओ वो चार लोग रुको रुको तुम ये चार लोगों के साथ जो नाचते हुए ना अगर एक आ गए ना ये चारों के कंधों पे जाओगे भाई तुम चलो 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 अरे मजाक बना के रखा है यार बट मेरे को एक चीज रियलाइज हो रही है बोल रहे थे ना कुछ खास होने वाला है कुछ अलग होने वाला है तो जब कुछ अलग होने वाला है तो इतनी आसानी से हमारा स्टार थोड़ी आ जाएगा यार है कि नहीं तो मुझे लगता है ये एक ग्रैंड एक्टर का ग्रैंड वेलकम करने के लिए मैं एक शायरी पढ़ देता हूं क्या बोलते हो आप साथ हो सब लोग अरे चिल्लाओ यार चलो देखो तो इनके स्टाइल की तो दुनिया इनके स्टाइल की तो दीवानी है सारी कंट्री इनके स्टाइल की तो दीवानी है सारी कंट्री विरासत इनकी तो कभी एक दिन के मंत्री पुकार हमारी भी सुन लो मजनू भाई ये नो एंट्री में कर दो एक धमाके भरी एंट्री वाह दोस्तों एक बार जोरदार तालियां थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो सर बिग बॉस सीजन थ्री और चार अनिल कपूर स्टेज पे सर कैसे आप पहले बताइए सर कैसे लगे मनीष मार्केट चोर बाजार और ये भिंडी बाजार दैट ऑल्सो फ्रॉम चेंबूर ओ अनिल कपूर रूट्स नहीं भूलो रूट्स लेकिन सर अगर हम चार यहां पे है ही तो एक सेल्फी हो जाए सर सीजन थ्री में चार गेटी, अरे गेटी यार अरे ऐसा मत करो यार ऐसा मत करो ऐसा मत करो यार गेटी गले जाना मेरे घर मत चले जाना ओके घर में जाना थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इजाजत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्कुल थैंक यू सर बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम प्लीज थैंक यू सर मैं और दोस्त सबसे सब सब पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अरे बारा जोरदार आवाज हो जाए और जोर से। क्या बात है क्या बात है सबने मोबाइल हाथ में रखे हुए अनिल कपूर की एंट्री रिकॉर्ड करने <laughs> तो कोई ताली नहीं बजा पा रहा है जरा मुंह में फंसाओ और ताली बजाओ एक बार जोरदार मैं लाइन में नहीं आया हूँ सबको लाइन पर लाने आया हूँ oh. इस बार जो है बिग बॉस का घर और बिग बॉस का डर दोनों बराबर रहेगा जो लोग बाहर से गेम सेट करते आए हैं उनको गेम करने के लिए मैं आऊँगा उनका गेम करने के लिए समझा ना उनका गेम करने के लिए क्योंकि आप सब क्या होगा आप सब बदलेगा और आप सब कुछ खास होगा खास होगा सब कुछ बदलेगा सर लेकिन जैसे ही ये

मुझे तो आपने देखा है कि किस तरह मैं घर संभालती हूँ सबको मैं हैंडल करती हूँ बिग बॉस की आदत है आप आपको आदत है की घर में आप लोगों की बीवियां तो घर बिग बॉस ही होती है right yes, yes, सही. Uh, sir, लेकिन और एक क्वेश्चन है uh. ये ऐसा है कि सब सलमान भाईजान जो है उन्होंने आपसे क्या कहा यह जानना है क्योंकि मीडिया वाले देखो यही लोग जो है ना इधर बैठे वो लिखते हैं कि ने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया ये बहुत ही गलत सवाल है।, <laughs> लोग। है मैं जानता हूं सलमान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता <laughs> क्या बात है सिंपल एम आई राइट रॉन्ग यस यस परफेक्ट बट क्या भाई थे एक्साइटेड भाई 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 बहुत खुश हैं मैंने मेरी उनसे बात भी हुई इज वेरी एक्साइटेड कि मैं नॉन फिक्शन कर रहा हूं तो इज वेरी हैप्पी और बाकी अगर तू कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है तो नहीं नहीं सर मैं तो बहुत मैं तो बहुत भागता हूं दूर मैं तो जरा नहीं वो सब बिग बॉस में हो गया नहीं 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 मैं तो बस प्लेस वगैरह जो है ना ये गलत सवाल है नहीं 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 मैं मैं नहीं सर हां

करना है फिल्म कर ली टीवी कर लिया ओ कर लिया सोचा ओ के नॉन फिक्शन के साथ डेब्यू करना चाहिए और ए का नॉन फिक्शन का एक ही बिग बॉस और वो है बिग बॉस ओ तो डेब्यू कर लिया मैंने बोला चलो घुस जाते हैं करते हैं बिग बॉस वो जी कर लेते हैं और बनता है होना भी चाहिए क्योंकि देखो अभी वो नई जनरेशन में ओजी वर्ड ओरिजिनल को ओ जी ये बहुत चला है लेकिन असली इन्वेंटर तो यहाँ खड़े एजी झकास बेडा आई नो आई ये झकास भी बहुत हो गया है, करते हैं कुछ खास और एजी ओजी भी बहुत हो गया है हाँ. कुछ अलग करते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं तो सर ये अलग-अलग सुन रहा हूँ मैं लेकिन सबसे पहले वही कि बता दो कि क्या अलग है मतलब क्या है मतलब कुछ तो खतरनाक वाइब दे रहे हो देख यार कितनी बार मैं तुझे बोलूं सब कुछ खास होगा जो सोचोगे वो नहीं होगा और जो होगा वो कभी सोचा नहीं होगा एक अलग माया जाल बनने वाला है इस बार द वेब ऑफ इल्यूजन रियल और अनरियल के बीच का फैसला कम हो जाएगा और जो जिसम जिसम नहीं तेरा जिसम नहीं मैं अपने जिसम की बात कर रहा हूँ सर और? आपके जिसम की तो सब बात कर रहे सर <laughs> और जो इसमें खुद को संभाल लेगा वही आगे जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुडे We are extremely excited to see all of you and the excitement you have for the show. Uh, so thank you everyone, thanks a lot. Thank you अलोक जी. Thank you so much you, sir, sir for honoring this show or the season. क्या बात है? So बुनोवर आपको पहला सवाल अलोक जी से ये करना है कि देखो इनसे पूछिए कि दो साल से ये इतना successful दो decades ये इतना successful show है क्या reason क्या है इसका? सर देखो यहाँ पे तो कितने डिकेट सक्सेसफुल है और यहाँ भी कितने है, 20 साल से आलोक सर ये शो किल कर रहा है तो ये जो सीक्रेट रिवील तो आज बहुत सारे हो रहे हैं तो हम चाहते हैं ये सीक्रेट भी रिवील कर दे आलोक सर के क्या है थैंक यू यूर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन आई थिंक कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी शो इतने सालों तक आई थिंक अनिल सर इज शो इतने सालों तक अगर सक्सेसफुल चलता रहता है उसके पीछे एक ही होता है एक ही चीज़ होती है कि वो हर साल अपने आप को इनोवेट करता रहता है हर साल कुछ ना कुछ नया कोशिश करता रहता है और ट्राई करता है कि हाउ डज़ इट एंड कीप कंटिन्यू टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड आई थिंक बहुत सारे स्टार हैं इंक्लूडिंग अनिल सर हू हैव डन दिस एंड आई थिंक द शो हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुल नॉट ओनली इन हिंदी मार्केट फॉर लास्ट टू डेट्स दिस इज द

लास्ट साल से लास्ट दो साल से ट्वेंटी फोर आवर्स स्ट्रीम शुरू किया तो ऑल दीज इनोवेशन कीप कंटिन्यूइंग एंड आई थिंक बहुत सारी टीम है जब शो ऑन नहीं होता है ऑन एयर नहीं होता है वो टीम पूरे साल ये कोशिश करती है कि नया क्या करना है आपकी बार नौ महीने दस महीने टीम मेहनत करती है सोचने के लिए कि आपकी बार क्या करें हम अपने ऑडियंस के लिए जो उनको एंटरटेन कर सके इन अ मैनर विच इज़ अनएक्सपेक्टेड विच उन्होंने कभी सोचा ना हो और कभी और उनको बहुत मजा आए तो आई थिंक इस सीजन में भी हमारा यही अटेम्प्ट है कि हम कैसे कुछ नया करें और बहुत ही सुंदर करें जो लोगों को पसंद आए राज ही बता बता दिया दिया है है कि कि सर ने बता दिया कि अगर 20 सालों से हम किल कर रहे हैं ना तो उसका राज है हार्ड वर्किंग बहुत सारी टीम्स और बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क ही है जो सर को 20 सालों से शो को यहाँ तक पहुंचा हुआ है लेकिन सर और एक इस सीजन के लिए क्वेश्चन आपने बीस साल की लेगेसी बता दी लेकिन स्पेशली इस सीजन जो प्रोमो बहुत थ्रिलर लग रहे तो so, सर मैं जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि क्या है खास इस साल सो so, मैं आ, जो अब तक आपने मुनावर और ट्रेडिशन रखा है थोड़ थोड़ा थोड़ा बताया है थोड़ा थोड़ा नहीं बताया सो so, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगा आई थिंक बिग थिंग्स विच वी आर डूइंग दिस सीजन इज इंटरक्टिव इंटरक्टिविटी विद द कंज्यूमर्स बहुत सारा चीजें करने को मौका मिलेगा ऑडियंस को uh, कंटेस्टेंट के साथ घर के अंदर और हाइप चाइट है uh, क्या करा सकते हैं लोगों से टास्क जैसे मुनावर आपने बोला और बहुत सारे हिंट आपने दिए <laughs> uh, क्या क्या हो सकता है सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड वेट एंड वॉच बट इज अ बिग वन एंड हमेशा कंटेस्टेंट्स आर ऑलवेज अ न्यू एक्साइटिंग कौन कंटेस्टेंट आने वाले हैं hmm. क्या करेंगे वो सो so, कितने सारे स्टोरीज हैं मार्केट में हर आदमी का कैसा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है

और अब हम अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे इस शो के करता धरता को ठीक है जो इस शो को इंडिया में लेकर आए आप लोगों के पास लेकर आए ठीक है और सर को मैं बुलाना चाहूंगा वेलकम प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक धर जी का फाउंडर एंड ग्रुप सीओ बे एशिया एंड एनिमल शाइन इंडिया बिल्कुल जैसे हमने सुना कि ये कितने सालों से रेलेवेंट है बात ही खत्म हो चुकी है सर ने भी 20 साल का एक फॉर्मूला बता दिया अब आप करता धरता है आप लेकर आए इस शो को यहाँ पे बताइए वेल well, uh, बताने का तो बहुत कुछ है बट uh, पहले तो ए uh, के सर का यू नो वेलकम टू द बिग बॉस यू नो फैमिली सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव ए के विद आस इनके साथ uh, हमारा पुराना ताल्लुक है ये हमारी दूसरी इनिंग्स है पहले हमने नाइट मैनेजर किया साथ में अब हम बिग बॉस करेंगे पहले स्क्रिप्टेड कर रहे थे अब अनस्क्रिप्टेड करेंगे लो कैन द जियो सिनेमा टीम फॉर गिविंग अस द थर्ड अपॉर्चुनिटी टू यू नो कम बैक विद अनदर बिग सीजन ऑफ बिग बॉस ओ टी टी सो रे लुकिंग फॉर्ड टू इट जब 2005 में हम लोग ने ये शो लाया था कुछ समझ नहीं रहे थे कि कैसे करेंगे किसके साथ करेंगे क्या करेंगे कब करेंगे अब बहुत साल हो गए बहुत चीजें हो गई बहुत बहुत सीजन्स हो गए अलग अलग मार्केट्स में हो गए ये एक ग्लोबल शो नहीं है एक ग्लोबल फिनमिनन है जो करीबन सत्तर देशों में एक साथ चलता है एक साल में हम कम से कम यू you नो know, इसके सत्तर से सौ सीजन करते हैं साल साल में कितने इवेक्शंस कितने कंटेस्टेंट्स कितने हाउसमेट्स मतलब ये गिनती अभी हम भूल गए हैं बट एक चीज़ हम भूले नहीं है कि टू कीप रिनवेंटिंग एंड कीप यू नो पुशिंग द लिमिट्स फॉरवर्ड सो इसके लिए uh, ये क्रेडिट uh, मुझे नहीं बट ये पूरी टीम को जाता है कि इस टीम के इस शो के पीछे कम से कम पाँच सौ छः सौ लोग लग लगे होते हैं क्रिएटिव होती है प्रोडक्शन होती है ऑपरेशन होते हैं टेक्निकल होते हैं मार्केटिंग पी आर यू नो ये एक बहुत एक शो ये शो नहीं है ये एक जो घर है जो ट्वेंटी फोर बाय सेवन चल चलता है सो so, आपने भी देखा हुआ है ये कैसे आगे आगे चलता है बट पीछे इसमें कितने लोगों का हाथ लगा हुआ है तो इट्स ये हमारे लिए एक शो नहीं है ये हमारी माँ है यू you नो know, जिसको हम रियली रियली प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि आ, और कितने हमें बहुत सारे सीजंस करने हैं इसके आलोक और जियो सिनेमा के साथ और के सर के साथ ये शुरुआत है बहुत सारे करेंगे आगे यहाँ तो माँ ही कह दिया है लेकिन थैंक यू सो मच अब करने वाले करवाने वाले लाने वाले चलाने वाले सब यहाँ है तो मैं चाहता हूँ एक परफेक्ट फोटो हो जाए मीडिया प्लीज इनका एक बढ़िया सा फोटो साथ में टीम का हो जाए मैं एक मिनट के लिए इजाजत लेता हूँ बहुत शुक्रिया आपने जो हमें एक जर्नी पर लेकर गए खूबसूरती से बताया कि कितनी हार्डवर्किंग और कितनी बड़ी टीम काम करती है एक शो को एक इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां आज ये शो है और चार चांद लगाने के लिए अब इस शो पे सर भी है <laughs> तो मैं अभी अभी मुझे देखो चिराग से ना थोड़ा कुछ मैंने भी सीख लिया है मुझे भी लग रहा ना कि ये यहाँ पे जितने बैठे हैं ना ये सारे इनके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल है ना सर कि मुझे दिखाई दे रहे इस वक्त और मुझे एक एक सवाल कंफर्म है सर कंटेस्टेंट कौन है ये सबका सवाल है राइट तो मैं इसका आपको मैं खुद सर स्वयं इसका जवाब दे देना चाहता हूं ताकि ये सवाल रिपीट ना हो लेकिन दे दोस्तों, दोस्तों बाकी की देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंटेस्टेंट के बारे में 21 जून रात 9:00 बजे Jio सिनेमा पर सब कुछ पता चल जाएगा और 24 आवर्स चलने वाला है दोस्तों तो बस उतना वेट कर लो और तब तक के लिए सर और बड़े सर बिग बॉस के बॉस और yes. हम सबके बॉस यहाँ पे बैठेंगे और आप सबके सवालों के सारे जवाब दे देंगे तब तक मैं आता चाय चाय भी मेरे इन द इंडस्ट्री एंड यू नो नाउ न्यू टेरिटरी यू वेंचर इनटू इन द नो लोगों ने पूछा कि क्या अब क्या क्या बाकी है और आपने पूछा कि अब

Uh, I've done, uh, in a way, non-fiction in, uh, in a film, uh, which was uh, a global success. Uh, I don't have to name it. I'm sure you'll know about it. It's Slumdog Millionaire. And I've done some fiction shows also on OTT. I've done films. I've done television. So this is something which I had no, not done. So I said, let me, you know, uh, why not try my hand at it? And I'm that's the reason I'm doing it. And uh, I'm excited. I'm very happy to do it. भास्कर से पहले तो सर ट्रेलर देख के बहुत एक्साइटेड हैं हम आपकी होस्टिंग के लिए सब कुछ बदलेगा सब कुछ अलग होगा लेकिन सर बिग बॉस में एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती वो है कॉन्ट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट झगड़े बहुत होते हैं तो आप किस तरह से उन्हें उनसे निपटेंगे किस तरह की प्लानिंग होगी आपकी देखिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किसके घर में झगड़े नहीं होते हैं किसके घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं दैट इज़ वॉट इज यू नो हम हंसते हैं हम रोते हैं बट इन बिटवीन जो चीज़ें होती हैं हमें कभी पता नहीं होती है पर वो हर जगह होती है और देन समन क्रॉसेज द लाइन इज टू सर्टेन एक्सटेंट तो आई हैव टू बी वेरी फेयर एंड फर्म सो दैट्स मैं ये कोशिश करूँगा मैं फर्म भी रहूँ और फेयर भी रहूँ और और जैसे कि कहा कि कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी बिग बॉस के हाउस में जो कॉन्ट्रवर्शल होंगी एंड uh, थोड़ी अनकम्फर्टेबल होगी एंड uh, ये सब चीज़ें तो होती हैं लाइफ में भी होती हैं एंड हाउ यू हैंडल इट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए वो अगर किसी ने बोला किसी कंटेस्टेंट वो अपने आप से वो मेरे से झूठ बोलेगा वो बात अलग है वो फिर भी मैं हैंडल कर लूंगा कि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है मगर वो जो अपने आप से झूठ बोलेगा वो सबसे बुरी चीज़ होगी और वो लाइफ में भी ऐसे ही होता है सो ऑल दीज थिंग्स दीज डायनामिक्स वेन दे हैपन यू नो इन वेरी वेरी ट्वेंटी फोर सेवन आप सब देख सकते हैं तो वो मुझे एम्पति uh, भी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा तो कभी कभी मैं एम्पति भी दिखाऊंगा थोड़ा सा उनके साथ uh, समझदारी से भी बात करूंगा मगर कभी कभी मुझे डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा ये सारी डायनामिक्स मुझे करनी पड़ेगी जो मुझे लगता है सही है वो मैं करूंगा एंड आई आई डोंट हैव टू आई हैव टू बी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ जो मैं करूंगा मुझे आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा बट आई प्रोमिस यू आई एल बी वेरी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ In handling these situations, Anil sir, this is Ajay Divya Solgama, and uh, congratulations for adding one more feather in your hat. You know, uh, sir, you that... Ke... Hi, Anil sir, Nikita, you're from India Forums.

There, are, there is uh, who wants to be a millionaire which is not only successful in india but successful all over the world there are certain uh, 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 musical shows which are very very successful and there is big boss you know which was conceived many many years back and uh, there is something which is which is so different and uh, the you know it's interactive there are and you put all the participants in a kind of a situation in a room i think that's what the way it was you know the the seed came into the mind and uh, and, and 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 the reason everybody loves it is because you see so many things uh, in close quarters in close ups i think that's what is uh, fascinating and uh, and uh, the other shows are completely different uh, they are you know एंड इसका एक अलग औरिजनेलिटी है सो आई थिंक एवरी शो हैज़ सर्टन काइंड ऑफ यूनिकनेस एंड बिग बॉस कुछ तो इसमें क्या बात है आप सब जानते हैं और मैं उसको पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है बट इट इज़ कंज्यूम्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट स्पेशली इंडिया इन सो मैनी लैंग्वेजेज मलयालम में भी है तमिल में भी चल रहा है तेलुगू में भी है हिंदी में भी है इतने सालों से चल रहा है और अब भी चल रहा है तो दर आर लॉर्ड ऑफ थिंग्स विच आर सर्टन फैंस Who have seen each and every season of this show, and they are completely obsessed with this show. Uh, I think that there must be something which is, uh, you know, the content is very very strong, and all depends on the content. And then who the host is, who the participants, who what is the mood, and most important, the platform. You know, Geo Cinema is the platform that also makes a lot of difference. Who is uh, going to, you know, where are you going to watch it? and there's nothing better than geo cinema not because alok saab is sitting over here but it's a fantastic uh, platform and uh, you know as a great home for a big boss and we couldn't find there couldn't be a better home than uh, for ott than geo cinema mere ghar mein mere ghar mein मेरे घर में मेरे ख्याल से big boss कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने नहीं देखा हो You know there must be there must there must be time when they might have seen bits and pieces, but people have seen it and I'm sure my family also has seen it everybody must have seen it and uh, uh, there are so many friends of my wife who are such big fans of uh, big boss I can't even tell you it's unbelievable and i'm I'm ready for all the controversies and see how it goes you know it's just the beginning yeah. it's fine sorry what या yeah, मेरी नहीं नहीं मैं टिप्स तो अभी यू नो जैसे मैं सुनता हूँ सबकी उम्र करता हूँ अपनी है ये हमेशा मेरा है, रहा है एंड आई 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 लिसन टू बट बट डू फील इज सलमान वॉज वेरी हैप्पी मोर देन हैप्पी देन आई 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 स्पोक टू दैट एम डूइंग है शो कि मैं ये शो कर रहा हूँ उसे बहुत आ, बहुत ही एक्साइटेड था और उसने मुझे कहा कि देख सबको संभालना अगर कोई नहीं संभलेगा तो बोला तू ठीक करते वैसे भी तू मेरे से यंग लगता है मगर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बता हम दोनों ठीक कर कर देंगे सही, सही कर देंगे। लास्ट यार भाल, भाल। बोलो यार सही बोलो और जैसे ही प्रोमो आया रिया सोनम अर्जुन हर कोई काफी लग रहा था आपसे ज्यादा वो इंतजार कर रहे थे उनमें से किसी से आपको कोई टिप मिली

जो फ्लॉप हो चुका है बर्बाद हो चुका है कहता वो और वो दूसरा जो अपना अपना क्या बोलते हैं वो अपना अनुराग मुझे बोलता भी है और मेरे मुँह पर पानी भी फेंकता है यू अंडरस्टैंड ऐसा स्क्रिप्ट था बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वेरी ट्रिकी एंड विच वॉज समथिंग विच वॉज वेरी नॉट गोइंग विद माई इमेज आई हैड टू डू दिस विट अ वेरी आई बिफोर डूइंग दैट रोल बट आई सेट नहीं यार करता हूँ मैं देखता क्या हो जाए और आपको पता कितना कितनी सक्सेसफुल हुई फिल्म और उसमें मेरे डायरेक्टर ने बोला अपना कि मैं रिया को मैं रिया आई वांट टू कास्ट रिया आई वांट टू कास्ट हर्ष आई वांट टू कास्ट सुनीता आई वांट टू कास्ट सोनम मेरा भैया दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स यू हैव टू आस्क देम आई एम नोबडी टू मेक अ डिसीजन फॉर देम एंड स्पीक अबाउट देम इट इज़ देयर डिसीजन आप लोग uh, बात कीजिए उनसे एंड सी वॉट दे से अबाउट इट एंड आई एल बी हैप्पी

हेलो हाँ बोलिए सर हाँ बोलिए पूछिए आज जो पूछना पूछिए मुझसे से आप जी क्या बोला हाँ सेम स्कूल से हाँ तू तू फेल हुआ था पास हुआ था चेक 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 हाँ लगता बहुत check, साल check. फेल हुआ था नहीं सर मैं 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 काफी मैं तो कॉपी तो करके पास हो जाता था <laughs> मैंने भी वही किया सर <laughs>

सर आप की मुझे मैं आपसे पूछना चाहता मैं, मैं क्यों बताऊं बता मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी अभी आप नहीं है ना लेकिन तो हो आपका कोई कलाम कुछ है भी हो सकता है जिंदगी में आप एज अस्ट लाइफ में कुछ भी हो सकता है कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए मैं आप सबको बोलता हूं डरना डरने का नहीं 45 साल से खड़ा हूं इधर मैं अगर डरता ना तो यहां खड़ा नहीं रहता समझा ना सही बात है ना टेंशन नहीं ले लेने का sir, host, सर एज अ होस्ट कोई तकिया कलाम है आपका इसमें मानता हूं तेरी पसंद को फादर बिग बॉस को तूने पसंद किया मस्का मस्का एकदम झकास थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच सर बिग बॉस की जो होस्टिंग है बिकॉज़ वो सलमान खान यार मैं समझा कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन आएगा आपसे यार सेम वही पचास लोग वही पूछ रहे हैं यार कोई बात नहीं बात करेंगे आपसे एक दिन बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ नाउ यू नो इट्स पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया एंड यू नो एंड यू हैव टू फेस इट एंड कितने एग्जाम्पल्स हैं uh, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैंने जो जो मैंने काम किया है आज तक तो और जब डिजिटल फॉर्मेट आ चुका था उसके बाद आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में अपने करियर में जो मैं हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के मशहूर मन मतल के फ़नकार लोगों के साथ और उनका मैंने रोल किया तो इमेजिन कर लो कि मेरे पे कितना प्रेशर होगा जो दुनिया में मशहूर है और मैंने अपनी मेहनत अपनी शिद्दत अपनी ऑनेस्टी से काम किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पॉजिटिव एक दो चीज़ें नहीं भी चली नहीं चली तो आगे बढ़ के मैंने दूसरी चीज़ें की फिर तीसरी चीज़ें की इसलिए मैं जैसे कि कहा कि ऐसे ही नहीं बैठाऊँ पैंतालीस साल से कुछ तो ठीक किया है मैंने करेक्ट है कि नहीं करेक्ट सही बात है ना थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर अजय सर सर के लिए डिनर मंगा लेते हैं सर 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 तू घर जा <laughs> <तुदे>। <laughs> अरे हो गया यार आंसर ये या हो गया चल अभी मैं होस्ट हो गया हूँ करेक्ट आप बोलिए फ्रेश क्वेश्चन पूछिए लास्ट नॉट लास्ट यू लाल नो नो आपको तो मिलता रहता हूं मैं आज पूछिए जय महाराष्ट्र uh, और रितेश देशमुख साहब कर रहे हैं बिग बॉस मराठी में जरूर देखिएगा है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं मेरे छोटे भाई हैं जैसे सलमान मेरा छोटा भाई है दोस्त है भाई है ये ऑल वेल ऑफ़ ईच अदर कभी कभी को यू you नो know, मैं रिप्लेस किया जाता हूँ कभी वो रिप्लेस किया जाता है ये जो वर्ड है ना बड़ा गलत है इट नॉट राइट सबके पास काम है और सबके पास काम मिलता रहेगा कभी किसी रीज़न की वजह से किसी के पास टाइम नहीं होता कि अभी हाल ही में मेरे को दो जगह रिप्लेस किया है मुझे लोगों ने फिल्मों में अभी क्या रीज़न है रिप्लेस का वो तो रीज़न रीज़न है वो बोलने की क्या जरूरत है वो तो चलता रहता है तो मेरे को भी बहुत लोगों ने रिप्लेस किया है मैंने भी रिप्लेस किया लोगों को We are just doing our job, and we should just do it with a lot of sincerity and honesty. And that's what life is, I think. Anilji, Anilji, this show is 24 into 7. Like it is going to be 24 hours, right? Correct. So, what restrictions are going to be put in in the bedroom? What will be edited? You have to go <laughs> watch it. 24/7. <laughs> thank you very much. Thank, thank, thank you very much. It's been you, wonderful speaking you. to you all. Thank you. very and, much. And uh, great.

दे एने दे एने. सर उधर ही रहे उधर ही रहना ना उधर रहे For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebites right away.